स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में दोस्तों। और आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस में जो कॉन्स्टेबल्स या फिर सिपाही की जो भर्ती आई है उसके बारे में व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट जो मैंने खोला है ये PDF फॉर्मेट में दिया हुआ है, और इस एडवर्टाइजमेंट को आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उसके जरिए डाउनलोड करके खुद से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ये जो सिपाही की भर्ती आई है बिहार पुलिस में उसके बारे में क्या-क्या दिया हुआ है इस एडवर्टाइजमेंट में, और जानते हैं कब-कब क्या-क्या तिथि है, क्या-क्या है इसमें। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी कांस्टेबल की भर्ती। तो बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना दी गई है। और इसमें लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र करने की जो आखिरी तिथि है या फिर लास्ट डेट है वो 4/11/2019 है, यानी कि 4 नवंबर 2019 तक है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आज एक एक नवंबर को बना रहा हूँ, तो ये बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप जल्दी से जाइए, इसको अप्लाई करिए, फॉर्म को फिल कर दीजिए ताकि आपका ये मिस ना हो, काफ़ी कम दिन रह गए हैं। आगे देखते हैं, तो इसमें मेन चीज़ जो आप सबको ज़रूरी होता है जानना कि सबसे पहले पैसा कितना मिलेगा, सैलरी कितनी होगी। तो देखिए, जो बिहार पुलिस में सिपाहियों की भर्ती है या कांस्टेबल की भर्ती है, वो उसका जो पे लेवल है या वेतनमान का लेवल है वो 3 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, और उसका बेसिक पे आपका 21,700 से लेके 69,100 है, ठीक है। और आपको पता ही होगा गवर्नमेंट में हर साल 3-3% बेसिक का बढ़ता ही रहता है। और दोस्तों, सबसे मेन बात जो आप सभी को खुश कर देगी, इसमें टोटल जो संख्या है, जो वैकेंसी है, वो 11,880 वैकेंसी है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है कांस्टेबल या सिपाहियों की, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए। और आप देख सकते हैं बेसिक पे भी कितनी अच्छी है, 21,700। और इतना तो आजकल आपको जो पता होगा कि प्राइवेट कंपनीज में भी इंजीनियर को नहीं मिलता है, तो काफ़ी अच्छा पैसा दे रही है। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो बेसिक पे है 21,700, इसके अलावा भी काफ़ी अलाउंसेज होते हैं, HRA, DA बाकी होता है। तो आपका ये सब आप आराम से आपका 35 के आसपास, उससे ऊपर ही बन जाएगा। और दोस्तों, बिहार पुलिस में आप सिपाही कांस्टेबल तो अच्छा ही रहता है, उसमें आपका सामाजिक दर्जा भी बढ़ जाता है, तो ये अच्छा है आपके लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी कुछ और दिया हुआ इकाइयों के बारे में, कौन कौन सी बिहार में कहाँ कहाँ होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, मैं ये स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप लोग को ये पूरा डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस PDF का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें आप लिंक दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इस PDF को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वेबसाइट दी हुई है जहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, वो उसका नाम है www.csbc.bih.nic.in। चलिए आगे चलते हैं। और कुछ मैं इसमें सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें ही कवर कर रहा हूँ, और पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको पढ़ना होगा, तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना होगा। इसमें फिर लिखा है, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर का होगा, एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 100 मार्क्स का आपका पेपर है। टोटल 2 घंटों का, एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन के प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में बोला गया 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि मिनिमम आपको 100 में से 30 मार्क्स लाना ही लाना, या फिर 30% बोले तो क्वालिफाइंग है। लिखित परीक्षा अंतिम मेघा सूची पर आधार नहीं होगी, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माँ परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी।
लिखित के बाद उसके आपका पूरा शारीरिक वाला टेस्ट होगा, आपका सब चेक किया जाएगा, आप कितने फिट हैं, कितना आप दौड़ सकते हैं, वो सब आपका टेस्ट होगा, जिसमें आप इसमें अगली लाइन लिखा हुआ, सिपाही पद पर नियुक्ति के चयन के लिए अंतिम मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो देख सकते हैं आपका जो शारीरिक वाला है उसमें तीन चीज़ें हैं, दौड़ आपको ये दौड़ाएंगे, आपको इससे ये ऊंची कूद करवाएंगे और आपसे ये गोला फेंकवाएंगे। तो मेनली आपका ये मतलब स्ट्रेंथ का टेस्ट है, आपका ये फुर्ती का टेस्ट होगा, क्योंकि सिपाही को ये सब होना चाहिए, कॉन्स्टेबल को काफ़ी चोर पकड़ना होता है, भागना होता है, तो ये सब मांगता है। तो आगे चलते हैं, सिपाही के पद पर आयोजन हेतु पात्रता, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जो डेट है वो 1 अगस्त 2019 तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अथवा आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। तो दोस्तों मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो सोचिए आप मतलब बिना बीटेक के भी इतनी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी सैलरी पाने को मिल रहा है सिर्फ मैट्रिक के आधार पे, तो क्या चाहिए? अब आपको मैं सच्चाई बता दूं, आज के मतलब टाइम में काफ़ी बीटेक, इनफैक्ट एमटेक वाले भी जॉब के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, और जो जो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनको किसी को सिर्फ 10,000 मिलता है, किसी को सिर्फ 15,000 मिलता है, और सोचिए इस सिपाही में बेसिक पे ही आपका 21,000 है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, और सिर्फ 12th के बाद ही आप सिपाही बन सकते हैं, और क्या चाहिए आपको? ये बाकी आपका ये सब दिया हुआ है, कितने पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, कितना एज है, मिनिमम 18 अधिकतम 25, ये सब दिया हुआ है, और इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए दिया हुआ है, अनुसूचित के लिए दिया हुआ है, ये सब पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। फिर हाइट के बारे में दिया हुआ, हाइट कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, असामान्य पुरुषों के लिए, तो ये सब अभी पढ़ लीजिएगा। तो हाइट वगैरह आप देख लीजिएगा कि पुरुषों के लिए कितना चाहिए और स्त्रियों के लिए कितना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, फुलाकर कितना सीना होना चाहिए और बिना फुलाए कितना होना चाहिए पुरुषों के लिए, और ये सब आपका सब टेस्ट होगा। फिर जैसा कि बताया था, प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका ये शारीरिक परीक्षा होगी, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। और द्वितीय चरण शारीरिक परीक्षा में जैसे आपको देखा हुआ है कि 5 मिनट से कम 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, ये आपका दौड़ के अंक दिए हुए हैं, कैसे कैसे दौड़ के अंक मिलेंगे, ऐसी महिलाओं के दौड़ के अंक क्या होंगे, गोला फेंक जो आपसे गोला फेंकवाएंगे उसमें दूरी कितना दूर आपका गोला जा रहा है उसके हिसाब से आपको अंक मिलेंगे, उसमें आपका होगा कि स्ट्रेंथ कैसी है आपकी, आप कितने दूर तक गोला फेंक सकते हैं, तो ये आपके मार्क्स का दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्ट्रेंथ काफ़ी चाहिए, इसलिए आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं अपना लिखित का तो तैयारी करती रहिए, और आप लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं आप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो ताकि आपके अच्छा गोला फेंक सकें, अच्छा दौड़ भाग कर सकें। फिर ये जो मेघा सूची दी हुई है, लिखा हुआ है क्या क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक के आधार पर की जाएगी। तो ये रहा ब्रेकअप दोस्तों, जो 11,880 वैकेंसी है उसमें सामान्य वर्ग के लिए 4,778 है, आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए 1,188 है, अनुसूचित जाति वालों के लिए 1,893 है, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 119 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2,129 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1,419 है, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 354 है। तो दोस्तों सोचिए 11,880 वैकेंसी कांस्टेबल की सीधे 12th के बाद, बहुत अच्छी आपका ये वैकेंसी आई है, आप सभी लोग लग जाइए इसके लिए। तो ये बाकी और कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इस PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरे जो व्यूवर्स ये पहली बार चैनल देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जॉब नोटिफिकेशंस तुरंत का तुरंत मिल जाए और आपसे कोई भी डेडलाइन मिस ना हो, ऐसा ना हो कि अरे ये फॉर्म आया था और मैंने तो अप्लाई ही नहीं किया।
और कट ऑफ डेट ये है, चिकित्सा परीक्षण के बारे में बताया गया है, और ऑनलाइन मैंने वेबसाइट आपको बता ही दिया था, और यहाँ पे फीस के बारे में दिया हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 450 रुपये है, तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 112 रुपये है। इसका पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं। वेबसाइट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, www.csbc.bih.nic.in। और मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ये हमने देख लिया था, तो मेजर चीज़ें मैंने यहाँ अधिकतर कवर कर ली हैं। आपको मैंने बता दिया, फीस के बारे में बता दिया है, डेडलाइन के बारे में बता दिया है, और पैटर्न क्या होगा उसके बारे में बता दिया है। उसके बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन वगैरह वो जो फाइनल राउंड होगा, ये आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। पहले आप सारे ये पहला राउंड दूसरा राउंड क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका जो लास्ट राउंड सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सब होता जाएगा। तो दोस्तों ये आपका सब दिया हुआ है। हाँ, ये आपका दिया हुआ है बिहार पुलिस में जो प्लेस है, मतलब बिहार में कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी पोस्टिंग या वैकेंसी है उसके बारे में ब्यौरा दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। आप देखिए, आपका जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तो आपको बिहार में किस जगह आपको पोस्टिंग मिलती है वो डिसाइड करेगी बिहार गवर्नमेंट। तो दोस्तों बहुत अच्छा ही ये मौका है, 11,880 वैकेंसी है, आप सभी लोग लग जाइए। इस वीडियो में जितना मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया है, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आपको और किस किस पे वीडियोस चाहिए, क्या चाहिए बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों, और आशा है आप सभी लोग अच्छे से अपना करियर के प्रति जागरूक रहेंगे और प्रयत्न करते रहेंगे, और जल्दी आप सभी को सफलता मिलेगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग लग जाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। Thanks for watching. Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon. Like, comment and share. See you next time.